भारत के मंदिर दुनिया भर में मशहूर हैं और उनके मशहूर होने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे उनकी साज सज्जा, उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं भक्तों को आश्चर्यचकित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और इसी कड़ी में हमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जिसमें भगवान और मंदिर पूरे दिन जलमग्न रहते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली रोचक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज तक आपने कई प्राचीन मंदिरों और उनसे जुड़े किस्से सुने होंगे। कुछ मंदिर प्राचीन काल के किसी रहस्य के कारण प्रसिद्ध होते हैं, कुछ अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं आज हम बात करेंगे गुजरात के एक ऐसे खास मंदिर की जो अपने अनोखे चमत्कार के लिए जाना जाता है। भारत में भगवान शिव के कई मंदिर हैं, जिसमें से आज हम जानेंगे गुजरात के कावी कंबोई गांव में स्थित स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल के बारे में। दरअसल ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है जो अपने चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है। भगवान शिव का ये मंदिर अरब सागर के मध्य कैम्बे तट पर है। इस मंदिर में आए भक्तों को भोलेनाथ दिन में दो बार दर्शन देने आते हैं, सुबह और शाम। अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद मंदिर समुद्र की गोद में समा जाता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर पूरे दिन समुद्र के अंदर रहता है और दिन में केवल दो बार समुद्र के बाहर आता है। ये चमत्कारी मंदिर सुबह और शाम को ही नजर आता है। कहा जाता है कि ये मंदिर किसी के प्राश्चित करने का नतीजा है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है, और इसी वजह से ये समुद्र में गायब हो जाता है। शिव पुराण के मुताबिक ताड़कासुर नाम के शिव भक्त असुर ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से खुश किया। बदले में शिव जी ने उसे मनोवांछित वरदान दिया था, जिसमें असुर ने वरदान लिया कि उसे शिव पुत्र के अलावा कोई नहीं मार सकता और उस शिव पुत्र की आयु भी मात्र 6 दिन की होनी चाहिए। यह वरदान हासिल करने के बाद ताड़कासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। इससे परेशान होकर सभी देवता और ऋषि मुनियों ने शिव जी से उसका वध करने की प्रार्थना की थी। प्रार्थना स्वीकार होने के बाद श्वेत पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध तो कर दिया, पर जब कार्तिकेय जी को पता चला कि असुर ताड़कासुर महादेव का भक्त था तो उन्हें बेहद बुरा लगा। कार्तिकेय का मन परेशान था तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्राश्चित करने का उपाय पूछा। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें उस जगह पर एक शिवलिंग स्थापित करने को कहा जहां उन्हें रोजाना माफी मांगनी थी। इस तरह से उस जगह पर शिवलिंग की स्थापना हुई, जिसके बाद में स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से जाना गया। यह मंदिर रोजाना समुद्र में डूब जाता है और फिर वापस आकर अपने किए की माफी भी मांगता है।